नमस्कार, नॉनस्टॉप नेशनल साथ हूँ चुनबी जो ये समाचारों विद ब्रेक। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाना विरोध में भारतीय कुस्तीबाजो जंतर मंतर पर धरना करी रहा है। तेरे महिला कुस्तीबाज विनेश फगाटे नेशनल कैम्प में फेडरेशन ना खास कोच महिला खिलाड़ियों यौन शोषण करता होवानो आक्षेप लगाव्यो छे। भारतीय रेसलर विनेश फोगाटे आक्षेप लगाव्यो के नेशनल कैम्प में वुमन रेसलर ना प्रेसिडिंग ब्रिजभूषण शरणसिंह अने कोच जातीय सतामणी करे छे। राष्ट्रीय शिबिरों में तैनात केटला कोच वर्षो थी महिला कुस्तीबाजों साथे जातीय सतामणी करी रहा छे। घणी महिला रेसलर्स पण आ अंगे फरियाद करी चूकी छे, फरियाद छतां कोई पण जातनी कार्यवाही करवामां आवती नथी। વધુમાં ફોગાટે જણાવ્યું કે મેટલ ટોર્ચરના કારણે આત્મહત્યાનો વિચાર પણ આવ્યો હતો, જો કોઈ પણ ખેલાડીને કંઈ પણ થયું તો તેના જવાબદાર અધ્યક્ષ હશે। વો બંદા મેરે કો હર દિન મેન્ટલ ટોર્ચર કર રહા હૈ, હર દિન હર એક ચીજ કે લિયે, હર કોઈ ભી પરમિશન હૈ નામ લેના હૈ, હર દિન પેરો મે ગિડગિડાઓ, ભીખ માંગો, યે કરો વો કરો, તો મરજી હૈ જો હમારે રેસલિંગ એસિસ્ટન્ટ સેક્રેટરી કે પોસ્ટ પે વો બેઠે હૈ। जो भी बच्चे जाते हैं कभी उनको गिफ्ट देते हैं, कभी घी देते हैं, कभी दूध देते हैं, कभी पैसे देते हैं, तब उनके नाम डालते हैं कैंप में, कोचिज के नाम डालते हैं इंटरनेशनल कैंप के लिए पैसे लेके। जो टोक्यो ओलंपिक्स में जो वुमेन्स टीम के साथ में जो एक कोच गया था राजू तोमर, वो उनको वुमेन्स रेसलिंग का कुछ भी नहीं पता ना, कभी वो हमारी टीम के साथ में थे कभी भी, क्योंकि उनको रेलवे में प्रमोशन होना था तो उनको टोक्यो ओलंपिक से भेज दिया गया पैसे लेके। और उसके बाद में हमारा क्या रिजल्ट रहा? जीरो, ना हमारे साथ फिजियो है, ना हमारे पास कोई भी अच्छा कोच है, तो रिजल्ट्स क्या रहेगा? अच्छा विनेश, इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में वैसे देखिए बहुत सारी बातें हमें पता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज जो आप यहाँ बताना चाहें जो अभी पर्दे के पीछे है जिसका हमारे रेसलिंग के मेडल्स पे असर आया हो, मतलब आप जी मैंने बता दिया कि हमारे पास फिजियो नहीं था तो टोक्यो ओलंपिक्स में कोविड के पहले कुछ बोला गया हो आपको ऐसा जिससे आप डिस्टर्ब हुई? जो कोचेज लगाए जाते हैं ना वो आपको हर दिन ब्रेक करते हैं मेंटली। जिन शेरनियों ने हमारा नाम ओलंपिक्स में रोशन करा है, इस देश को इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया है, आज उन शेरनियों को जंतर मंतर पे रोना पड़ रहा है और न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है। मेरे हिसाब से इस देश के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस इश्यू करा है और केंद्र सरकार के यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को नोटिस इश्यू करा है। इस केस में तुरंत न्याय होना चाहिए। वो जो WFI प्रेसिडेंट है, चाहे वो सांसद हो, वो अरेस्ट होना चाहिए और जितने भी कोचेस का नाम सामने आ रहा है उन सब के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये लड़कियों ने, ये शेरनियां हैं, ये देश के लिए लड़ी हैं, आज ये क्या अकेले यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठेंगी और इनके आंसू देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है? वो ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, अगर आरोप पाए जाते हैं तो वो फांसी पे लटकने तक के लिए तैयार है। वो कोई देश में कोई खास आदमी नहीं है, वो भी इस देश के ही नागरिक है। देश में अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर कोई आरोप लगता है तो FIR दर्ज होती है और इन्वेस्टिगेशन होता है और अरेस्ट होता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस आदमी के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाए, इन्वेस्टिगेशन हो और इस आदमी को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। इस देश की बेटियां जिन्होंने इतना नाम रोशन किया देश पर का, आज वो रोएंगी सड़क पे और सरकार बैठ के चुप रहेगी? बिल्कुल गलत बात है। पुलिस को तुरंत FIR दर्ज करनी चाहिए और इस आदमी को अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए। दरअसल ये लोग ट्रायल से बचना चाहते हैं और यही वजह है कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ट्रायल ना हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो भी नहीं लगते। मेरा बस ये कहना है कि इस आदमी को पहले FIR दर्ज करो और जांच शुरू करो और इसको अरेस्ट करो। ये क्या कहता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, ભારતીય કુસ્તીબાજોએ રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા સામે મોરચો માંડ્યો। બજરંગ પુનિયા, સાક્ષી મલિક અને વિનેશ ફોગાટની આગેવાની હેઠળ કેટલાક કુસ્તીબાજો દિલ્હીના જંતર મંતર મેદાન પર રાષ્ટ્રીય મહાસંઘ સામે વિરોધ કર્યો અને રેસલિંગ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયાના પ્રમુખ બ્રજભૂષણ શરણનો બહિષ્કાર કરવાની માંગ કરી। ફેડરેશન દ્વારા મનસ્વી વલણ કરાતો હોવાનો પણ આક્ષેપ લગાવાયો। કુસ્તીબાજો એવો પણ આક્ષેપ કર્યો કે ફેડરેશન દ્વારા તેમને અપમાનિત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે। દેશ માટે મેડલ જીતવા છતાં તેમને સન્માન નથી મળી રહ્યું જેના માટે તે હકદાર છે। જ્યારે તેઓ દેશ માટે મેડલ જીતે છે ત્યારે બધા તેમને બિરદાવે છે, પરંતુ તે પછી આપણું શું થાય છે તે કોઈ જોતું નથી। સૂત્રોના મતે વિશાખાપટ્ટનમમાં સિનિયર રેસલિંગ ચેમ્પિયનશીપમાં ફેડરેશને નવા રેફરી બોલાવ્યો હતા। નવા રેફરીને નિયમોની પણ માહિતી ન હતી અને ખોટા નિર્ણય આપ્યા હતા, જેથી ખેલાડીઓ ભારે અસંતોષ ખેલાડીઓમાં જોવા મળ્યો અને આંતરિક લડાઈ પણ સર્જાઈ છે।
मिली है, किसी को कुछ नहीं मिला। जो स्पॉन्सर प्राइवेट जो स्पॉन्सर आते हैं वो सिर्फ फेडरेशन के थ्रू आएंगे हमारे पास। पहले हमारे पास डायरेक्ट आते थे खिलाड़ियों के पास, अब वो फेडरेशन को पहले फेडरेशन को खिलाएंगे, फेडरेशन खिलाड़ियों तक पहुंचाएगी। जब हमारे टाटा मोटर्स के नहीं आए तो वो कहां से दे देंगे। तो वो चीजें बहुत सारी जो निचले खिलाड़ी वो बेचारे ये बोल रहे हैं कि हम कहां जाएं, वो हमारे पास आते हैं कि हम कहां जाएं पहलवान जी, क्योंकि कुश्ती में है हमारे से जो बड़े हम उनको पहलवान जी बोलते हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हमें पहलवान जी है कि हम कहां जाएं, हमें कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं है, किसके आगे हम जाके बोल लें। जो खिलाड़ी बोलता है उसको टॉर्चर किया जाता है। दिन हमारी पेशी हुई, पेशी हुई, उसमें मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो है उन्होंने UWW के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हमारा फेवर किया। उन्होंने सवाल किया हमसे कि आपके रेफरी ने एक रेफरी को पीटा तो क्यों ना आपकी टीम को बैन कर दिया जाए। हमने कहा कि वो रेफरी मेरा नहीं था, वो रसिया का है, कोच मेरा नहीं था, रसिया का है, उसको मैंने हायर कर रखा था और पहलवान के निवेदन पर हमने उसको उसकी कुश्ती पर दे दिया था। तो उन्होंने दूसरा सवाल किया कि आपने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की। हमने कहा उसको सस्पेंड भी कर दिया, टर्मिनेट भी कर दिया और ये भी कर दिया कि उस रेफरी को हम कभी नहीं बुलाएंगे। और इस पर UWW के प्रेसिडेंट ने हमारा सपोर्ट किया, हमारे खिलाड़ियों का सपोर्ट किया, हमारे देश का सपोर्ट किया, कहा कि इनके खिलाड़ी बड़े अनुशासित हैं, इनके कोच बड़े अनुशासित हैं, ऐसी दिक्कत नहीं आई है, ये उनका नहीं है। फिर दूसरा उत्तर पूर्वी त्रण राज्यों त्रिपुरा मेघालय और नागालैंड की विधानसभा चूंटनी की तारीखों जाहिर कर त्रिपुरा 16 फेब्रुआरी मेघालय और नागालैंड 27 फेब्रुआरी चूंटनी योजा त्रय राज्यों चूंटनी परिणाम 2 मार्चे आश त्रय राज्यों में 60 सीटों पर योजा चूंटनी त्रय राज्यों में 2.28 लाख नवा मतदारों चूंटनी प्रक्रिया में भाग ले त्रण राज्यों में महिला मतदारों की संख्या में वारो नोधायो नागालैंड विधानसभा कार्यकाल 12 मार्चे मेघालय विधानसभा कार्यकाल 15 मार्चे और त्रिपुरा विधानसभा कार्यकाल 22 मार्चे समाप्त थाय हाल में त्रिपुरा में भाजपा की सरकार है जैसे नागालैंड में एनडीपी नेफ्यू रियो मुख्य प्रधान है मेघालय में एनपीपी पोता पग जमाया है भाजप बने राज्यों में सत्ताधारी गठबंधन नो भाग है एक पुराने सीसी साहब का फेक न्यूज चलता है इस पर हर बार आ जाता है वो कृष्णमूर्ति साहब का उन्होंने कहा था कि इसको हैक किया जा सकता है वो एक किसी ने जैसे आप लोग पेपर पे लिखते हैं न्यूज प्रिंट वाले पर उस तरह का एक लिख के बनाया हुआ है और वो हर बार चल जाता है तो मैं इसको अगर इसने हर पार्टी को जिताया है जो कंप्लेंट करते उनको भी जिताया है तो अगर मैं कहूं एक बार अगर ईवीएम बोल सकती तो क्या कहती तो शायद ऐसे कहती जिसने तेरे सर पर तोहमत रखी है मैंने उसके भी घर की लाज रखी है। तेलंगाना में सीएम के चंद्रशेखर राव द्वारा वर्ष 2023 विधानसभा चूंटनी और 2024 लोकसभा माटे त्रीजा मोर्चा की तैयारी करी तेवामां बुधवार तेलंगाना खम्मामां भारत राष्ट्र समिति महासम्मेलन योजायुं जेमे केसीआरए लोकसभा चूंटनी माटे त्रीजा पक्ष ने एकजुटता दर्शावानो प्रयास कर्यो। आ कार्यक्रम में पंजाब सीएम भगवंत मान दिल्ली सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल समाजवादी पक्ष अध्यक्ष अखिलेश यादव रेली में सामिल थया केन्द्र की मोदी सरकार सामे आकरा प्रहार कर्या। कहूं कि नरेन्द्र मोदी सरकार हवे गण्या गांठिया दिवसों बाकी है भाजपा कार्यकारिणी बैठक में कहवायू है कि 400 दिवस बाकी है एटले कि जे सरकार पोताना दिवसों गणवा लगे तो समझी जाओ कि हवे आ सरकार 400 दिवस बाद रोकावानी नथी। अखिलेश यादवे गंगा विलास क्रूज ने लईने पण पीएम मोदी पर प्रहार कर्या। प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश जरूर आते हैं इसीलिए आपने देखा होगा गुजरात से उत्तर प्रदेश आए। अगर गुजरात से प्रधानमंत्री बन सकते होते तो शायद गुजरात वो नहीं छोड़ते लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ जो धोखा हुआ है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मां गंगा हमारी पूजा का हमारी आस्था का हमारी संस्कृति की स्थान है। एक पानी का जहाज चला करके विलासता का जहाज चला करके न जाने क्या सपने दिखा रही है सरकार। तेलंगाना मुख्य प्रधान के चंद्रशेखर रावे पार्टी नाम बदलाता पहला नेशनल लेवल पर विशाल रैली योजी जेमा दिल्ली ना सीएम अरविंद केजरीवाल पण उपस्थित रहा अने कहूं कि नरेन्द्र मोदी ने बेरोजगारी के वस्तुओं की वधती किंमत की चिंता नहीं
તેઓને બિન ભાજપી રાજ્યમાં સરકાર તોડવાની ચિંતા છે। તેઓએ આક્ષેપ પણ લગાવ્યો કે મોદીએ રાજ્યપાલની મદદથી પંજાબ, દિલ્હી, તમિલનાડુ, કેરળ અને તેલંગાણામાં વિઘ્ન પેદા કર્યું, પરંતુ હવે કેટલાક રાજ્યોના એક સાથે છીએ અને સાથે મળી અમે રાજનીતિ નહીં પરંતુ દેશના વિકાસ પર મંથન કર્યું છે। हम सब मिलके अब राजनीति की चर्चा नहीं करते। आज पूरा दिन सुबह से शाम तक हमने बैठ के चर्चा की कि देश के अंदर शिक्षा अच्छी कैसे होनी चाहिए, देश के अंदर अस्पताल अच्छे कैसे होने चाहिए, देश के अंदर सिंचाई अच्छी कैसे होनी चाहिए, किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, मजदूरों के लिए क्या कर सकते हैं। देश के कुछ मुख्यमंत्री इकट्ठे होकर ये करने लगे। हम एक दूसरे से सीखना चाहिए हम लोगों को। રાહુલ ગાંધીની આગેવાનીમાં કોંગ્રેસની ભારત જોડો યાત્રા પંજાબમાંથી પસાર થયા બાદ હવે પંજાબ કોંગ્રેસને મોટો ઝટકા સમાન સમાચાર આવ્યા। પંજાબ કોંગ્રેસના મજબૂત નેતા અને નવજોતસિંહ સિદ્ધુના નજીકના ગણાતા મનપ્રીત બાદલે કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપી દીધું છે। તેઓએ પોતાનું રાજીનામું પૂર્વ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીને મોકલી આપ્યું અને બાદમાં તરત જ તેઓ ભાજપમાં જોડાઈ ગયા છે। ભાજપમાં જોડાતાની સાથે તેઓએ કોંગ્રેસ સામે આકરા તેવર દર્શાવવાના શરૂ કર્યા અને કહ્યું કે એવી પાર્ટીની સાથે કઈ રીતે રહી શકાય જે પોતાની સાથે યુદ્ધ કરી રહી હોય। એકને નેતા પ્રતિપક્ષ બનાવવામાં આવે તો બીજા વ્યક્તિને ધારાસભ્ય દળના નેતા બનાવવામાં આવે છે, તેમજ બંને જૂથ અંદરોઅંદર લડે છે। જે રાજ્યમાં કોંગ્રેસ છે ત્યાં આ જ સ્થિતિ છે। મનપ્રીત બાદલ પંજાબની કોંગ્રેસ સરકારમાં નાણાપ્રધાન રહી ચૂક્યા છે। તેઓ શિરોમણી અકાલી દળની સરકારમાં નાણાપ્રધાનનું પદ પણ સંભાળી ચૂક્યા છે। મનપ્રીત બાદલ પહેલા કેપ્ટન અમરિંદરસિંહ પાર્ટી છોડી દીધી હતી, આ ઉપરાંત સુનિલ જાખડ પણ પાર્ટીને અલવિદા કહી ચૂક્યા છે। રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો યાત્રા મંગળવારે પંજાબથી હિમાચલ પહોંચી છે। દરમિયાન રાહુલની મુલાકાત પૂરી થતાં જ મનપ્રીત બાદલના રાજીનામાથી કોંગ્રેસને આંચકો લાગ્યો છે। પંજાબ કો અપને હાલ પે નહીં છોડેંગે, હમ પંજાબ કો સવારેંગે, હમ ઇસકો સુધારેંગે ઓર પંજાબ કા જો વકાર હૈ उसको एक बार फिर बहाल करना है। और ये बात जो है ये मुझे छू गई। एंड एज समवन हु रिफ्लेक्ट्स एंग्शियसली इन एवरी डे ऑन द फ्यूचर ऑफ पंजाब, मैं फिक्रमंद रहता हूँ पंजाब के हाल पे और पंजाब के आने वाले हाल पे। और ये जो पंजाब की धरती है ये शेरों को जन्म देने वाली धरती है। ये वो धरती है जिसको भगवान ने हरे खेतों और दरियाओं से ऐसे सजाया जैसे मेहंदी से किसी दुल्हन को सजाते हैं। રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો યાત્રા હિમાચલ પ્રદેશમાં પહોંચી ત્યાં મુખ્યમંત્રી સુખવિંદરસિંહ સુખુએ તેમનું સ્વાગત કર્યું। રાહુલ ગાંધીના સ્વાગત દરમિયાન સીએમ સુખુ સાથે કેબિનેટના સભ્યો પણ હાજર રહ્યા। હિમાચલમાં પ્રવેશ્યા બાદ રાહુલ ગાંધીએ જનસભાને સંબોધી હતી। આ દરમિયાન તેમણે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને કેન્દ્ર સરકાર પર આકરા પ્રહાર કર્યા। રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે દેશમાં બેરોજગારી અને મોંઘવારી મુદ્દે યાત્રા શરૂ કરી હતી, અમારો ધ્યેય પ્રેમ વહેંચવાનો છે। કેન્દ્ર પર આરોપ લગાવતા તેમણે કહ્યું કે આખી સરકાર 3-4 લોકો માટે ચલાવવામાં આવી રહી છે, જે થાય છે તે લોકો માટે થાય છે, આ દેશના ખેડૂતો, મજૂરો અને યુવાનો માટે કંઈ કરવામાં આવતું નથી। ભારત સરકાર ગમે તે કરે તે ભારતના 2-3 સૌથી મોટા અબજોપતિઓને મદદ કરે છે। पार्लियामेंट में मुद्दे उठाने की कोशिश की, पार्लियामेंट में हमें मुद्दे नहीं उठाने देते। हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, प्रेस हो, उनके माध्यम से भी हम अपनी बात नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि सारे के सारों पर बीजेपी का, आरएसएस का दबाव है। इसीलिए हमने ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की। सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद करूंगा कि जब हम विधायक हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी 40 के 40 विधायक राहुल गांधी जी से राजस्थान में गए और उनसे अनुरोध किया कि आप अपने कार्यक्रम को एक दिन के लिए हिमाचल को भी शामिल कीजिए। ઉત્તર પ્રદેશના બસ્તીમાં આયોજિત સંસદ ખેલ મહાકુંભનું વડાપ્રધાન મોદીએ વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી ઉદઘાટન કર્યું અને કાર્યક્રમ સ્થળ શહીદ સત્યવાનસિંહ સ્ટેડિયમમાં રાજ્યના સીએમ યોગી આદિત્યનાથ ઉપસ્થિત રહ્યા। પીએમ મોદીએ કાર્યક્રમને સંબોધિત કરતા કહ્યું કે ખેલાડી માટે તેની રમત પણ એક ધ્યાન છે, તપસ્યા છે। એક સફળ ખેલાડી આ પ્રેક્ટિસ કરીને જ વિજય પ્રાપ્ત કરી આગળ વધે છે, સિદ્ધિ હાંસલ કરે છે। મને ખુશી છે કે આપણે સંસદની મહેનતથી બસ્તીમાં આટલો વિશાળ ખેલ મહાકુંભ યોજાઈ રહ્યો છે।
खेल महाकुंभ भारतीय रमतों में परंपरागत एवं स्थानिक खिलाड़ियों ने नवी उड़ान माटे की तक आपशे। भारत में लगभग 200 संसदीय मतविस्तारों में समान प्रकार की स्पर्धा आयोजन कर संसद खेल महाकुंभ सारू प्रदर्शन करना युवा खिलाड़ियों की स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ना तालीम केन्द्र में वधु तालीम माटे पसंदगी करवामां आवी रही छे। देश की युवा शक्ति ने घणो फायदो थशे। 2500 से ज्यादा एथलेट्स ऐसे हैं जिन्हों खेलो इंडिया अभियान के तहत हर महीने 50,000 रुपये से ज्यादा दिए जा रहे हैं। ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों को हमारी सरकार कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप से बहुत मदद मिल रही है। इस स्कीम के तहत भी हर महीने करीब करीब 500 खिलाड़ियों को आर्थिक मदद दी जा रही है। मुझे भरोसा है हमारे सभी युवा खेलों से बहुत कुछ मैदान में भी सीखेंगे, जीवन में भी सीखेंगे और आपकी ये ऊर्जा खेल के मैदान से विस्तार होती होती देश की ऊर्जा बन जाएगी। दिल्ली विधानसभा में बुधवार पर भारी हुबाड़ो जोवा मळ्यो हतो। आपना धारासभ्य मोहिंदर गोयले विधानसभा गृह में नोटोनो बंडल बतावी आपना धारासभ्यों ने खरीदवानो प्रयास थई रह्यो होवानो आक्षेप लगाव्यो हतो। अने आ समग्र बाबते उपराज्यपाल पण वाकेफ होवानो दावो मोहिंदर गोयले कर्यो छे। ये पैसे, ये वो रिश्वत के पैसे है जो टोकन मनी के ऊपर मुझे दिए गए। ये कि आप ये आवाज मत उठाओ, हमें ये पैसा लेने दो। इस मामले में मैं एलजी साहब से भी मिला हूं, एलजी साहब को भी पत्र लिखा है, मैंने सीएस साहब को भी लिखा है, मैंने हर दरवाजे के ऊपर मिला हूं। अपनी जान जोखिम के अंदर डालकर मैं ये काम कर रहा हूं क्योंकि वो इतने दबंग व्यक्ति है कि मेरे साथ भी वो कुछ कर सकते। पी के पास जाता हूं वहां पर हमारी सुनवाई नहीं, दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर के पास मैं जाता हूं वहां पे हमारी सुनवाई नहीं। सुनवाई होगी तो आखिर कहां होगी? मेरे पास सिर्फ और सिर्फ रास्ता बचता तो मेरी विधानसभा का रास्ता बचता था, इसलिए वो ये बंडल लेके मैं यहां पर आया हूं। ये मेरे लिए नहीं, आपके पूरी दिल्ली की जनता इस समय में त्रस्त है। रोज बरोज में सामान्य रीते अपने ऑनलाइन माहिती मेळवा गूगल गुरु और माहिती की विश्वसनीयता ने जोता विकीपीडिया ने जोता होईए छे। परंतु सुप्रीम कोर्टे केस ने सुनावी दरमियान विकीपीडिया जेवा ऑनलाइन स्त्रोतो विश्वासपात्र नथी तेवुं कह्युं। विकीपीडिया क्राउडसोर्स और यूजर जनरेट एडिटिंग मॉडल पर आधारित छे, आ स्थिति में ते भ्रामक माहिती ने प्रोत्साहन आपी शके छे तेम कह्युं। जस्टिस सूर्यकांत और विक्रम नाथनी बेंचे जणाव्युं के विश्वभरनी माहितीनी मफत एक्सेस प्रदान करता आवा स्त्रोतोनी उपयोगिताने अवगणी शकाय नहीं, परंतु कायदाकीय विवादोना निराकरण माटे आवा प्लेटफॉर्मनो उपयोग करी शकातो नथी। सेंट्रल एक्साइज टेरिफ एक्ट हेठळ आयात माटे ऑल इन वन इंटीग्रेटेड डेस्कटॉप कम्प्यूटरना योग्य वर्गीकरणना मामले सुप्रीम कोर्टनुं अवलोकन आव्युं छे। कंपनी अन्य केटलाक टेरिफ परथी कम्प्यूटरनुं मूल्यांकन कर्युं हतुं। कस्टमनी तपासमां टेरिफ अलग होवानुं जाणवा मळ्युं हतुं। त्यार पछी कस्टम कमिश्नरे तेमना तारणोने समर्थन आपवा माटे विकीपीडिया जेवा ऑनलाइन स्त्रोतोनो व्यापकपणे उल्लेख कर्यो हतो। વિવાદમાં સપડાયેલી શાહરૂખ ખાનની ફિલ્મ પઠાણ રિલીઝ થાય તે ફિલ્મોને લઈને ભાજપના નેતાઓ દ્વારા અપાતા નિવેદનને લઈને પીએમ મોદીએ સલાહ આપી છે। તેઓએ ભાજપના નેતાઓને સલાહ આપી કે ફિલ્મો પર વણજોઈતી નિવેદનબાજીથી બચવું જોઈએ। વડાપ્રધાન મોદીએ ગત 16 અને 17 જાન્યુઆરીએ દિલ્હીમાં ભાજપની રાષ્ટ્રીય કાર્યકારિણીની બેઠકમાં આ વાત કહી હોવાનું મનાય છે। પીએમ મોદીએ કહ્યું કે કેટલાક લોકો કેટલીક ફિલ્મો પર નિવેદનબાજી કરે છે જે મીડિયા પર દિવસભર ચાલે છે, ત્યારે વડાપ્રધાને પાર્ટી નેતાઓને બિનજરૂરી નિવેદનબાજીથી બચવા સલાહ આપી છે। પીએમ મોદીનું નિવેદન એવા સમયે આવ્યું જ્યારે દેશમાં પઠાણ ફિલ્મને લઈને વિવાદ ચાલી રહ્યો છે। ભાજપના કેટલાક નેતાઓએ ફિલ્મ પર પ્રતિબંધ લગાવવા સુધીના નિવેદન આપી ચૂક્યા છે, ત્યારે પીએમ મોદીએ નેતાઓને નિવેદનબાજીથી બચવાની સલાહ આપી છે। ભારતની સ્ટાર એથ્લીટ દૂતી ચંદ ડોપ સ્ટેટમાં ફેલ થયા પછી તે સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવી। દોડવીર દૂતી ચંદના ડોપ ટેસ્ટ માટેના સેમ્પલ ગત વર્ષે 5 ડિસેમ્બરે લેવામાં આવ્યા હતા, જેમાં પ્રતિબંધિત પદાર્થ એનાબોલિક સ્ટીરોઇડનો જથ્થો મળી આવ્યો। 26 વર્ષીય દૂતી ચંદે
2018 માં એશિયન ગેમ્સમાં 100 મીટર અને 200 મીટર બંને ઇવેન્ટમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો હતો. આ સાથે તેણે નેશનલ 100 મીટર રેસમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. દૂતીચંદના સેમ્પલમાં એડ્રાઇન ઓસ્ટારિન અને લિંગાડ્રોનની માત્રા જોવા મળી. દૂતી પર કાયમી પ્રતિબંધ લાગી શકે છે અને જો તેમને દોષી ઠેરવવામાં આવે તો સાબિત થાય છે કે તેમણે જાણી જોઈને આ પ્રકારે કહ્યું હતું તો તેમના પર કાયમી પ્રતિબંધ પણ લાગી શકે છે. કોરોનાનો નવો વેરિયન્ટ ચીન, જાપાન અને હોંગકોંગ સહિત અમેરિકામાં કેર વર્તાવી રહ્યો છે. ભારત સરકાર એલર્ટ છે ત્યારે કોરોના વાયરસની વિરુદ્ધ મજબૂત લડાઈને લઈને બિલ એન્ડ મેલિન્ડા ગેટ્સ ફાઉન્ડેશન મોદી સરકારના વખાણ કર્યા. બિલ એન્ડ મેલિન્ડા ગેટ્સ ફાઉન્ડેશનના સીઈઓ માર્ક સુઝમેને કહ્યું કે કોરોના સંકટ સામે ભારતની લડાઈ એક સકારાત્મક વૈશ્વિક ઉદાહરણ રજૂ કર્યું છે. કોરોનાની સામે ભારતની એક લડાઈ બીજાઓ માટે એક મોડેલ બની છે. દેશને આટલા મોટા પ્રમાણમાં રસીકરણનું નિર્માણ કેવી રીતે કર્યું અને લોકો સુધી કઈ રીતે પહોંચ્યા. માર્ક સુઝમેને કહ્યું કે અમે ભારતના લોકો સાથે કામ કરવા, સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા જેવા ભાગીદારો સાથે કામ કરવા તેમજ તેમની મદદ કરવા પર ગર્વ અનુભવીએ છીએ. અમે કેટલીક વેક્સિન બનાવવામાં તેમની મદદ કરી હતી તો કેટલીક વેક્સિન પ્રાથમિક સ્વાસ્થ્ય સેન્ટર સુધી પહોંચવામાં મદદ કરી. રાજસ્થાનમાં હિમવર્ષા થાય તેવી સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તો આ સાથે આ વિસ્તારોમાં લગભગ 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાય તેવી સંભાવના છે. જ્યારે દિલ્હીમાં ગાઢ ધુમ્મસના કારણે, વિઝિબિલિટીમાં મુશ્કેલીના કારણે ઇન્દિરા ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર ઘણી ફ્લાઇટ લેટ થશે અને ઘણી રદ કરવામાં આવશે. આ કારણને લીધે જ ઉત્તર રેલવેની 6 ટ્રેન ધીમી ચાલશે.